So let us study today exclamatory sentences in English grammar. Okay. So exclamatory means what? आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे sentence होते हैं जिसमें exclamation आता है. Just like this. What a beautiful girl she is. ये एक example है. यहाँ पर आप देखेंगे ये exclamatory mark होता है. This is exclamatory mark and this sentence is known as exclamatory sentence. अब ये जो ग्रामर है इसके अंदर ऐसा होता है, नॉर्मली हम लोग को एक असर्टिव सेंटेंस आता है एंड उसको बोला होता है कि मेक इट इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और चेंज इट इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो कैसे किया जाए, तो यहाँ पर मैं टाइप वाइज बताऊंगा. सबसे पहला टाइप मैं लेता हूँ टाइप वन. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तो ये व्हाट ए करके है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. दूसरा एक ऐसा होता है कि हाउ स्मार्ट यू आर, ये एक दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. तो जनरली इन दो सेंटेंस के ऊपर हम फोकस करने वाले. एक ऐसा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी जो हाउ से स्टार्ट होगा, दूसरा एक सेंटेंस जो व्हाट इज से स्टार्ट होगा. सो नॉर्मली इंग्लिश बोलते समय बहुत सारे हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, बट इन इंग्लिश ग्रामर मोस्ट ऑफ दीज टू सेंटेंसेज आर यूज इस तरह से. तो कैसे होता है, टाइप वन में हम हाउ वाले जितने भी एक्सक्लेमेटरी हो गए वो देखने वाले, टाइप टू में व्हाट ए कब आता है वो देखने वाले. चलो हम स्टार्ट करते हैं टाइप वन से. सो लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर दिस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन टाइप वन. टाइप वन में क्या करना है आपको पहचान बताता हूँ कि अगर वेरी आएगा वर्ड वेरी, सो यू हैव टू चेंज इट इनटू हाउ. वेरी आया तो उसको चेंज करके हाउ करना. ओके, लेट अस टेक वन एग्जांपल. मुकेश इज वेरी स्मार्ट बॉय. सो दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस, सिंपल एक सेंटेंस है. मुकेश इज वेरी स्मार्ट बॉय. यहाँ पर आप देखोगे वेरी आया. अच्छा, ये जो टाइप वन है इसमें वेरी कभी कभी सो ऐसा भी वर्ड आता है, या तो फिर सो वेरी इससे रिलेटेड और भी कोई एक वर्ड हो सकता है. तो आपको क्या करना है, चेंज दैट इन टू हाउ. यहाँ पर मैं इसको आप चेंज करने वाला, क्वेश्चन ऐसा आएगा मेक इट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. Make it exclamatory sentence. इस तरह से होगा. तो कैसे करना है, देखो ये जो वेरी है इसको आपको लिखना है हाउ. वेरी है वो हो गया हाउ. उसके बाद जो भी वर्ड है वो ले लेना है आपको साथ में, हाउ स्मार्ट बॉय. वेरी वेरी जो भी होगा या सो होगा या उसकी जगह और भी कुछ इस तरह से मिलता जुलता होगा, उस वर्ड को चेंज करके आपको हाउ करना है. देन उसके बाद जो भी वर्ड्स है वो सारे वर्ड्स ले लेने हैं. देन उसके बाद जो स्टार्टिंग के जो भी वर्ड्स है वो ले रहे हैं. मुकेश इज, मुकेश नाम है, एम कैपिटल रखना, मुकेश इज, देन एक्सक्लामेटरी मार्क. इस तरह से आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाना है. टाइप वन में वेरी है सो है तो हाउ यूज करना है. और एग्जांपल लेते हैं, दे वेयर सो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. यहाँ पर मैंने और एक एग्जांपल लिया है, दे वेर सो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. यहाँ हमने वेरी के बदले सो यूज़ किया क्वेश्चन में, एंड दे वेर प्लूरल है, दे वे लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे. नाउ क्वेश्चन इज मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो व्हाट टू डू, रूल क्या है, सबसे पहले जो सो है या तो वेरी होगा इसकी जगह पर हमको हाउ यूज़ करना है, जैसे मैंने यहाँ किया, यूज़ हाउ हाउ. देन उसके बाद जो भी है वो ले लो, हाउ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हाउ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स. देन स्टार्टिंग के जो भी होते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वो लेना, दे आर एक्सक्लेमेटरी मार्क. ये याद रखना एक्सक्लेमेटरी मार्क हमेशा. इस तरह से आपने देखा दो एग्जाम्पल हुआ. आओ और एग्जाम्पल लेते हैं. आई एम वेरी टायर्ड टूडे. यहां पर एक सेंटेंस है. द क्वेश्चन इज मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगेन हियर. सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ वेरी दिया हुआ है, यूज हाउ, हमेशा वेरी को हटा के हाउ यूज करना, हाउ टायर्ड टूडे. इस तरह से हाउ टायर्ड टूडे, फिर ये जो स्टार्टिंग है वो आई एम, हाउ टायर्ड टूडे आई एम, और एक्सक्लेमेटरी मार्क. इस तरह से अगर कोई एक क्वेश्चन आता है जिसके अंदर सो वेरी इस तरह के वर्ड है उसको हाउ में कन्वर्ट करना है और उसको शफल करना है. यानी क्या करना है कि जैसे वेरी है या सो है
उसके बदले हाउ यूज करके स्टार्ट में लिखना है, उसके बाद के जो वर्ड्स है देन वो यूज करना है, और स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है वो लास्ट में करके एक्सक्लेमेटरी मार्क देना। ये एक सिंपल तरीका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने का, टाइप वन। इसी तरह से टाइप टू होता है, चलो मैं वो आपको बताता हूँ कि टाइप टू क्या होता है। टाइप टू यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर अ वेरी इस तरह से कोई वर्ड आता है, ए वेरी ओनली वेरी था तो हाउ यूज कर रहे थे, इफ यू हैव ए वेरी देन यू हैव टू यूज वॉट ए, वॉट ए, ये याद रखो। सिर्फ वेरी होगा तो हाउ, ए वेरी या ऐसा कुछ वर्ड है जो ए के साथ आता है, ओनली ए आया तो भी वॉट ए यूज करना है। सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ही इज अ वेरी जीनियस स्टूडेंट। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहां वेरी के साथ ए, ए इस तरह से है तो करना क्या होगा, ए वेरी है, मैंने क्या बताया वॉट ए करना है। सो स्टार्ट करो वॉट ए से, वॉट ए पूरा ये हट जाएगा, ए वेरी जो है इसको हटा देना, इसके बाद जो था वो आ जाएगा वॉट ए जीनियस स्टूडेंट ही इज और एक्सक्लेमेटरी मार्क, बिल्कुल सेम है टाइप वन जैसा। टाइप वन में क्या था, वेरी या सो इस तरह से वर्ड थे एक्सट्रीमली तो हाउ करते थे, यहाँ पर ए वेरी है एन एक्सट्रीमली होगा तो यहाँ ए के बदले एन भी होगा, एन एक्सट्रीमली वगैरह तो आपको वॉट ए करना है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि शी वॉज अ ब्रिलियंट गर्ल, इस तरह से एग्जाम्पल है, सेम वैसे ही है, शी वॉज ए ब्रिलियंट गर्ल। अब यहां पर ए के साथ वेरी नहीं है बट ए तो है, आपको क्या करना है डायरेक्ट वॉट ए, ये जो वॉट ब्रिलियंट गर्ल शी वॉज, इस तरह से मतलब कैसे, देखो ये जो ए है वो वॉट ए हो गया, ब्रिलियंट गर्ल और ब्रिलियंट गर्ल, वॉट ए ब्रिलियंट गर्ल, इसके बाद जो है वो लिया, देन स्टार्ट वाला सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर ले लिया। इस तरह से हम लोगों को करना अलग अलग आए तो भी। और एग्जाम्पल लेते, यू आर अ वेरी अमेजिंग आर्टिस्ट इन दिस क्लास। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो, यू आर अ वेरी अमेजिंग आर्टिस्ट इन दिस क्लास, क्या करना है, वेरी है फिर से देखो, ए वेरी है तो वॉट ए देना इसको, वॉट ए, फिर आगे जो है वो भी लेना अमेजिंग आर्टिस्ट, पूरा जो है ले लो अमेजिंग आर्टिस्ट, वॉट वॉट ए, देन आगे इसके बाद जो है वो वॉट ए अमेजिंग आर्टिस्ट इन दिस क्लास यू आर, इस तरह से आएगा यू आर। यहाँ पर देखोगे वॉट ए अमेजिंग, यहाँ पे जो अमेजिंग है वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा था, आप यहाँ पर एन कर दो, वॉट एन अमेजिंग आर्टिस्ट इन दिस क्लास यू आर, देखो वॉट ए और एन एक जैसे ही होता है, ये इसके बाद जो वर्ड आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर चेंज करें, ये पूरा सेंटेंस होने के बाद लास्ट में हम लोग को एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पर देना है, ठीक है। तो अब एक्सक्लेमेटरी जो बहुत ही सिंपल है, मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मेक इट एक्सक्लेमेटरी करके, मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ऐसे ही आते हैं, उसको कन्वर्ट करके इस तरह से करना होता है। अच्छा अभी हम लोग थोड़ा सा रिवर्स देखते हैं कि रिवर्स क्या है, कि अगर एक्सक्लेमेटरी दिया है तो उसको असर्टिव कैसे करना है, इसको कॉपी करो फिर वो बताता हूँ। चलो अभी आगे देखते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे भी सेंटेंस आते हैं जो असर्टिव दिए असर्टिव करना होता है, यानी दिया हुआ सेंटेंस अपने आप में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है एंड हमको क्वेश्चन है मेक इट असर्टिव, यानी इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल करना है यानी असर्टिव करना है। यहाँ देखोगे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है उससे पता चलता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको क्वेश्चन हमारा ऐसा है मेक इट असर्टिव, तो कैसे करना, सिंपल है, देखो यहाँ पर हाउ व्हाट ए वॉट ए इससे समझ जाना है, हाउ होगा तो वेरी या तो सो भी यूज कर सकते, वॉट ए है तो सिंपली आपको ए वेरी यूज करना है, ये कंसेप्ट याद रखो, हाउ वेरी वॉट ए वेरी। अब यहाँ पर देखोगे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, जो यू आर है यह स्टार्टिंग पार्ट होता है, हाउ यानी आपको वेरी करना है और ब्यूटीफुल उसके बाद ब्यूटीफुल, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पार्ट लास्ट में है ये जो एडजेक्टिव वर्ड होता है ब्यूटीफुल वगैरह इस तरह से, उसके बाद यू आर है वो पहले आ जाएगा यू आर। अब ये जो हाउ है उसको कन्वर्ट करना है वेरी में, यू आर वेरी देन उसके बाद का जो वर्ड है वो आपको लिखना है ब्यूटीफुल,
ये हो गया सिंपल सेंटेंस, असर्टिव हो गया, फुल स्टॉप देना है, एक्सक्लेमेटरी था उसको आपने सिंपल सेंटेंस कर दिया, इसको असर्टिव बोलते हैं। चलो और एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे पास है, वॉट अ स्मूथ सरफेस इट इज, इसको हमको असर्टिव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, वॉट अ स्मूथ सरफेस इट इज, ये हमारा स्टार्टिंग पार्ट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसको स्टार्ट में लेना है। इट का आई कैपिटल कर दो बिकॉज वो स्टार्ट में आ रहा है, इट इज। नाउ वॉट ए, वॉट ए को आपको कन्वर्ट करके ए वेरी करना है, ए वेरी, वॉट इट इज अ वेरी, जो वॉट ए था वो कन्वर्ट हो गया ए वेरी, इट इज अ वेरी स्मूथ सरफेस, इस तरह से आपको करना है। यानी जो लास्ट पार्ट होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, ओके, देन उसके बाद वॉट ए है तो अ वेरी, और हाउ है तो वेरी, और उसके बाद का पार्ट जो लिखना है। चलो और एक एग्जाम्पल देखते हैं, वॉट अ नेचुरल सीन दिस वॉज। अब यहाँ पर देखो, वॉट अ नेचुरल सीन दिस वॉज, तो ये जो दिस वॉज है, दिस वॉज को स्टार्ट में ले आओ, दिस वॉज। अब ये वॉट ए, अगर हाउ होता तो वेरी, वॉट ए तो अ वेरी, दिस वॉज अ वेरी, दिस वॉज अ वेरी, इसके बाद का जो भी वर्ड्स है वो लिखना है नेचुरल सीन। सो यहाँ पर आपको हमेशा फुल स्टॉप यूज़ करना होगा जब भी आप असर्टिव कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर कोई एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो उसको हम असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, इसको कॉपी करो।